नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। चीन अब क्या करने वाला है? क्या चीन महाशक्ति बनने के खातिर दुनिया का विनाश कर देगा? क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में अमेरिकी हथियारों के मॉडल बनाए हुए हैं, जिसके बाद आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे विध्वंसक हथियारों को रोकने या फिर उन्हें फेल करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तकलामाकन रेगिस्तान में चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोतों का मॉड्यूल बनाकर सैन्य हमले का युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि कहीं चीन भविष्य के नौसैनिक संघर्ष की तैयारी युद्धाभ्यास के जरिए तो नहीं कर रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के फोर्ड क्लास का है, जबकि चीन ने रेगिस्तान में अमेरिकी युद्धपोत आर्ले बर्ग का मॉडल तैयार किया है। अमेरिका के कोलोराडो स्थित सैटेलाइट इमेजरी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी द्वारा रविवार को ली गई तस्वीरों में चीन के इस नए खुराफात की पोल खुल गई है। रेगिस्तान में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल बनाया गया है और दूसरे अमेरिकी युद्धपोतों का मॉडल बना हुआ है। चीन ने जिस जगह पर अमेरिकी युद्धपोतों का डिजाइन तैयार किया है, सैटेलाइट कंपनी मैक्सार ने उसकी पहचान रुओकियांग के तौर पर की है, जो उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में स्थित तकलामाकन रेगिस्तान का एक हिस्सा है। इंडिपेंडेंट यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि अमेरिकी जहाजों का मॉक अप चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तैयार किया है और वो अमेरिकी जहाजों को मार गिराने का युद्धाभ्यास कर रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यांग वेन विंग से जब सोमवार को अमेरिकी एयरक्राफ्ट के चीनी रेगिस्तान में बनाए गए मॉडल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मुझे आपके द्वारा बताई गई स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मैक्सार द्वारा जारी की गई तस्वीरें दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच सैन्य संघर्ष की संभावना पर बढ़ती चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अमेरिका और चीन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध भी काफी खराब चल रहे हैं, खास तौर पर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन लगातार आमने सामने हैं। चीन पिछले एक महीने से ताइवान में घुसपैठ को काफी बढ़ा रहा है। पेंटागन ने भी इसी हफ्ते जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें साफ तौर पर अमेरिका के लिए चेतावनी का अलार्म बजाया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चीन की प्लानिंग पूरी तरह से 2050 तक अमेरिका से काफी ज्यादा आगे निकल जाने की है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास इस वक्त 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन अभी तक 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर चुका है। अगर वही बात भारत की करें तो भारत अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है। हालांकि चीन ने जिस एयरक्राफ्ट का मॉडल तैयार किया है, उसमें लड़ाकू विमानों, हथियार सिस्टम या फिर मिसाइलों को तैयार नहीं किया गया है। वहीं एक और तस्वीर में पता चला है कि चीन ने अमेरिका के दो विध्वंसक जहाजों के मॉडल भी तैयार किए हैं और इस लक्ष्य को पीएलए दूर से भेदने की कोशिश कर रहा है। मैक्सार की तस्वीरों के आधार पर विश्लेषकों ने खुलासा किया है कि चीन ने अपने टारगेट एरिया में एक व्यापार रेल का भी निर्माण किया है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।